नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक के तमाम खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से, देखते हैं बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की टॉप सुर्खियां, अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निर्मूलन विभाग द्वारा रिश्वतखोर को जेरबंद करने का एक केस दिनांक 23 अगस्त को बलगांव में घटित हुआ। बताया जाता है कि रिश्वतखोर बलगांव पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। भ्रष्टाचार निर्मूलन विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। रिश्वतखोरी के घटना की हकीकत यूं है कि बलगांव पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल सोपान शामराव गायकवाड़ बक्कल नंबर 171 ने एक शख्स से केस खारिज करने रुपए 5,000 की मांग की, लेकिन मामला 500 रुपए में तय हुआ। भ्रष्टाचार की रकम स्वीकारते सोपान को रंगे हाथ पकड़ने का श्रेय श्रीमती खांडेकर को प्राप्त हुआ। कार्रवाई में कैलाश सानप, विशाल हरणे, ठाकुर आदि ने हिस्सा लिया। पेशे से वकील लेकिन हृदय से कलाकार, ऐसे अमरावती निवासी एडवोकेट प्रशांत भेलांडे ने 5 मराठी फिल्मों की निर्मित कर गजब हेराफेरी नाम से छठा मराठी सिनेमा बनाकर अमरावती वासियों का सीना चौड़ा कर दिया है। एक शताब्दी पूर्व दादा साहेब फाल्के ने भारत में सिने सृष्टि का प्रारंभ किया और अब हॉलीवुड के पश्चात बॉलीवुड फिल्म निर्माण में अग्रसर है। अपने ही महानगर के पेशे से वकील लेकिन कला की सूझबूझ का मानस गुट्टी में पिए प्रशांत भेलांडे ने अब तक माहेर माजे पंढरपुर, अशी ही भावबीज, सौभाग्यवती भव, रघुपति राघव राजा राम, माय बाप हेच दैवत और अब की गजब हेरा फेरी मराठी फिल्म का निर्माण कर फिल्म उद्योग में अपनी पहचान स्थापित कर ली गई। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जो आप टीवी पे देखते हैं सेंसर और गुण का गिरा हुआ दर्जा देखते हैं और लोगों के ऊपर आज की जो फिल्म का इम्पैक्ट दिखते हैं, ये देखते हुए मैंने सोचा फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों के दिल में अपना भाईचारा, देश प्रेम और लोगों को अपने प्रति एक अच्छी आस्था निर्माण करने का एक माध्यम है। ये सोच के मैंने सोचा अपन भी फिल्म निर्माण कीजिए और लोगों के सामने ऐसा आदर्श रखे जाए कि बाप बेटे का प्यार, भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार, ये मैंने हर फिल्म के जरिए दर्शाने की कोशिश किया है, देश प्रेम भी दर्शाने की कोशिश किया है। वकील साहब, बिग बजट की फिल्म में और बड़े हीरो हीरोइन को लेकर बनाने वाली फिल्म में इसके तरफ शायद आपकी रुचि कम है, उसका क्या कारण है? मैं जो पिक्चर बनाता हूँ उसमें स्टोरी को ज्यादा महत्व देता हूँ। बड़े बड़े हीरो रहने से ही पिक्चर चलता ऐसा नहीं है। स्थानिक लोगों को लेके भी पिक्चर चल सकती है अगर स्टोरी में दम रहा, अगर तुम्हारा टेकिंग अच्छा रहा, तुम्हारा मेकिंग अच्छा रहा। तो मैं समझता हूँ बड़े कलाकारों की जगह
कोई बड़ी बात नहीं है, कलाकार कलाकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसका अदाकारी ही सबसे बड़ी है। आदरणीय वकील साहब, फिल्मी दुनिया चंदेरी दुनिया है, प्रसिद्धि की दुनिया है, और एडवोकेसी एक थोड़ा सा शुष्क विषय है, ये दोनों का तालमेल आप कैसे बैठा लेते हैं? अब ये तो कसरत है भाई, तारपी की कसरत है। मैं शनिवार रविवार छुट्टी मिलता हूँ तो बम्बई जाता हूँ, बम्बई मेरा पूरा यूनिट रहता है, वहाँ पे सब लोग मेरे लगे हुए हैं, और मुझे जो फूड मिलता है वो कोर्ट से ही मिलता है, मुझे स्टोरीज मिलती है वो कोर्ट से ही मिलती है, मैं सब स्टोरी अपने रियल बेस पे करता हूँ, और यही शायद है कि लोगों के दिल को छूती है मेरी स्टोरी। बहुत बहुत अभिनंदन प्रशांत भाऊ, आपके जो प्रयत्न है इसके लिए सिटी न्यूज की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं। इसका पूरे श्रेय हम हमारे समय साहब को देते हैं, इन्होंने जब स्टोरी का नरेशन उनके साथ हुआ उन्होंने बताया कि ये फिल्म अपन ही बनाएंगे, और ये आज जो आप देख रहे हैं फिल्म का पहला शो है, ये शो के पीछे जो मेहनत है सब समय साहब के, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करके भी थे और प्रोड्यूसर करके भी। दिनांक 23 अगस्त रविवार को खास आमंत्रितों व पत्रकारों के लिए एक विशेष शो का आयोजन किया गया। श्री प्रशांत बेलाडे के इस उपक्रम को अगर इन्हें ज्वेल ऑफ अमरावती की उपमा दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा कलाकार म्यूजिशियन संगीतकार यहाँ का मिले, इस हिसाब से हमने बाबा किशोर को ये दूसरी फिल्म है जिसके अंदर म्यूजिक कैरेक्टर बतौर पेश किया, और शंकर बड़े साहब जो यहाँ के बड़े कवि हैं उनका एक अच्छी पहली बार जिंदगी में उन्होंने ये लिखी थी लावणी लिखी थी, इसकी फिल्म हमने ली है, अमृता नातुनी गाई हुई है, और उन्होंने गणित बहुत अच्छी तरह म्यूजिक दिया हुआ है। वैसे अमरावती के डॉक्टर डहाणे सर ये बड़े हुनर कलाकार है, इसको उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया है, इस पिक्चर में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग दी है। डॉक्टर चौधरी परिवार है, इन्होंने भी बड़ा अपना योगदान दिया है, इन्होंने भी हमारे फिल्म में निर्माण में बड़ा कार्य किया, ऐसे एक एक ग्रुप जुड़ते गए, फिल्म बनती गई और कार्रवाई से आगे बढ़ता है। क्या हुआ इससे हमने आज तक इतने फिल्म बनाते चले गए, मायर माजी पंडरपुर, सौभाग्यवती भवर, रघुपति राघव, राजा राम, परिवार, माय बाप है देवत, अब हम एक तपस्या फिल्म बनाने जा रहे हैं, और उसके हमारे यशपाल साहब उसके हमारे साथ में रहने वाले हैं, और अतिशय मार्मिक कथानक है, और साहब को हमने जब कथा सुनाई तो साहब बोले ये पिक्चर हम करेंगे, हमारे साथ में करेंगे, ऐसे लोग हमारे को मिलते गए तो पिक्चर एक के बाद एक बनते रहेगी, काम आगे आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। श्री सकल जैन समाज अमरावती की ओर से सामूहिक नौकार महामंत्र जाप आराधना व प्रवचन का धार्मिक कार्यक्रम रविवार को वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ समर्थ हाईस्कूल के पास रविवार को आयोजित हुआ। नवकार में आस्था, नवकार में विश्वास, नवकार में है शक्ति, नवकार में ही सारा संसार। नवकार महामंत्र का जाप आराधना का कार्यक्रम रविवार को बदनेरा रोड स्थित श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ में आयोजित हुआ। भगवान महावीर के विश्व शांति व विश्व मैत्री का संदेश लिए नवकार मंत्र की सामूहिक आराधना प्रवर श्री पार्श्व चंदू जी महाराज साथ में डॉक्टर श्री पदमचंद जी महाराज साहब के सानिध्य में करते संथारा यानी संघ लेखक विषय पर मुनि श्री सुवीर सागर जी महाराज का मंगल प्रयोजन आयोजित हुआ, जिसमें भारी मात्रा में समाज बांधवों ने धर्म लाभ लिया। विशेषकर वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर बुधवारा, श्री वर्धमान स्थानकवासी संघ अंबापेट, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर, श्री जैन श्वेतांबर छोटा मंदिर भाजी बाजार, श्री चंद्रनाथ जैन मंदिर टीकाराम मंदिर, श्री बड़ा मंदिर स्थानकवासी संघ तेरापंथी समाज, श्री पार्श्वनाथ सनगण मंदिर, श्री दादावाड़ी संस्थान, श्री सुपार्थनाथ दिगंबर सकल जैन मंदिर साईनगर, श्री वर्धमान स्थानक जैन श्रावक बदनेरा, श्री दिगंबर जैन बघेरवाल संघ,
नया बटनेरा जैन मंदिर, जूना बटनेरा जैन मंदिर, जैन बहुद्देशीय संस्था आदि संस्था के समाज बांधवों ने उपस्थिति दर्शाई। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 21 वर्षीय मतिमंद व शारीरिक कमकोर क्षमता के जुनेद खान सलीम खान ने मैदानी खेल फुटबॉल में देश विदेश में अमरावती का परचम लहरा दिया, जिसके सम्मान में रविवार को विजय जुलूस भी निकाला गया। ये उत्साह भरा जुलूस उस नौजवान युवक का जिसने अपने कर्तव्य से देश विदेश में फतह के झंडे गाड़ दिए। इस नौजवान ने अपने अस्तित्व की लड़ाई आंसुओं की धार से लड़कर फतह का परचम लहराया है। अपने कर्तव्य से इसने नगमाए जां फिजा से वतन को, शहर को, स्कूल को, परिवार को और अपने आप को महकाया है। इस युवक ने शारीरिक अपंगता के बावजूद फुटबॉल जैसे मैदानी खेल में फतह का परचम विदेशों में लहरा दिया। इस नौजवान के शान में हम यही कहना चाहेंगे, कमी कहां तेरे यहां, कमी कहां तेरे यहां, ए खुदा इन्हें आबाद कर, रहमतों की इन पर आसमां से बरसात कर, आसमां से बरसात कर। नाम जुनेद खान सलीम खान, पांडीपुर अमरावती। ये लॉर्ड एंजल्स अमरीका से सन 2015 में फुटबॉल का गेम खेलकर आया है और उसे कामयाबी हासिल की है। यह बड़े गर्व की बात है भारत के लिए, इसे भारत के लिए भी खेला है, सब अमरावती शहर का इसने नाम कमाया है, ये बहुत खुशी की बात। ये बच्चा मतिबंद है, अपंग होने के बावजूद भी उसने अमेरिका से एक बड़ा नाम कमाकर आया और एक सलाम एरिया से ताल्लुक रखता है। मेरी सब मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि उसकी हौसला अफजाई करें। चिन्मय मिशन द्वारा संस्कृति की वेदी पर भागवत गीता के 15वें अध्याय पठन का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक भाषा में आयोजित गीता पठन बालकों के मुख से सुनकर हर कोई गदगद हो गया था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारतीय संस्कृति पर सदियों से आक्रमण होते रहे लेकिन आज तक हमारी संस्कृति बरकरार है। कारण हमारे बालकों में माताएं जो संस्कार डालती है वह उज्जवल परंपरा से पल्लवित होते हैं। परंपराओं की वेदी पर संस्कृत में गीता पठन का एक कार्यक्रम रविवार को महानगर में आयोजित हुआ, जिसमें करीब 600 बालकों ने हिस्सा लिया। उनकी हंसी, खुशी, उत्साह देखकर यकीन होता है हमारी संस्कृति सदा सर्वदा यावत चंद्र दिवाकरो कायम रहेगी। ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?
पठन स्पर्धा आयोजित की है। हर साल हम ये जिनमें गीता पीठा पठन स्पर्धा आयोजित करते हैं। इस साल द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय गीता पठन स्पर्धा हमने आयोजित की है। ये और हमारे पूज्यनीय श्री चिन्मयानंद जी का शताब्दी महोत्सव होने के नाते हमने ये सब अरेंज किया है। वेद वेदांता का अभ्यास वो गीता माध्यम से होता है और गीता का 15वां अध्याय ये सब विद्यार्थियों को मुखपाठ आता है और इसके लिए हमने ये महास्पर्धा आयोजित की है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। अमरावती नगरी के मसानगंज क्षेत्र में साहू मंगल कार्यालय में बाल गोपालों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ। साहू तेली समाज सखी मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में समाज बांधवों ने तथा मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई नरेंद्र मोदी तो कोई बजरंग बली, कोई डॉक्टर तो कोई मदारी, कोई राधा तो कोई कृष्ण, कोई पुलिस तो कोई भगवान शंकर का रूप धारण किए बालक जिन्हें देखते ही मन मोहित हो उठता था। ऐसी ही एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कार्यक्रम साहू मंगल कार्यालय में साहू तेली सखी मंच द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारी मात्रा में महिला बालकों ने उपस्थिति दर्शाई। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। भारत हिंदी पुस्तकालय की स्थापना सन 1929 में हुई, तब से लगातार प्रति वर्ष तुलसी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है।
रविवार दिनांक 23 को भी स्थानीय अंबापेट में तुलसी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय विद्यालय से सभी परिचित है, किंतु यह विषय वस्तु मैं आज विशेषकर आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में पुस्तक जो पुस्तकालय थे चिराग के रूप में आज हमारे बीच बैठे हुए हैं एकमात्र श्री नंदकिशोर जी बजाज, जिनके बारे में मैंने सेवाओं लगभग 30 पुस्तक को पढ़ा जोड़ने जी से, उनकी चुकी है मराठी। स्थानीय राजकमल चौक में रविवार को शान ए पाकिस्तान कार्यक्रम न मनाया जाए इसलिए हिंदू जनजागृति समिति द्वारा एक छोटे खानी सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ पर आयोजित सभा में अपना मत प्रदर्शित करते यह कहा गया कि शान ए पाकिस्तान कार्यक्रम न मनाया जाए। भारत निर्यात महासंघ आणि कराची वाणिज्य महासंघाचे सदस्य असलेले बराती पाकिस्तान यांच्या संयुक्त विद्यमाने शान ए पाकिस्तान हा आधुनिक वस्त्र प्रावरणांचे प्रदर्शन आणि विक्री द ग्रँड हॉटेल वसंत कुंज येथे आयोजित होत आहे। या माध्यमातून पाकिस्तानच्या ज्या कला आहेत त्यांचे प्रदर्शन भरवले जाणार आहे। यामध्ये जे कोण सहभागी होणार आहे त्यांना 2,00,000 रुपयाची गुंतवणूक करावी लागणार आहे आणि हा सर्व पैसा या प्रदर्शनामध्ये जी काही विक्री होणार आहे ती भारतामध्ये होऊन हा सर्व पैसा पाकिस्तानमध्ये नेला जाणार आहे। आणि सर्वांनाच ही गोष्ट माहिती आहे, वेगळी सांगायला नको, पाकिस्तान या पैशाचा वापर का करणार आहे, केवळ दारू गोळा आणि बंदुकी बनवायसाठी आणि त्याचा वापर आपल्यावरच करणार आहे, म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या आपण आपल्याच पायावर दगड पाडून घेणार आहोत आणि यासाठी सरकारचा सुद्धा याला पाठिंबा आहे। यामध्ये 10 तारखेला सायंकाळी कव्वारीचा कार्यक्रम सुद्धा आयोजित होणार आहे, त्याचं नाव आहे एक शाम पाकिस्तान के नाम। का कशासाठी काय करतो आहे पाकिस्तान आपल्यासाठी, त्याच्यासाठी आपण एक संध्याकाळ देणार, त्यापेक्षा जवानांसाठी द्या, आपल्या राष्ट्रप्रेमींसाठी द्या, त्याचा जास्त देशाला लाभ होईल असं माझी मोदी सरकारला नम्र विनंती आहे। या कार्यक्रमाचे यजमानपद आपण यापूर्वी बघितलंच आहे, पाकिस्तानी दूतावास भूषवणार आहेत। यामध्ये गायनाचा कार्यक्रम कव्वाल गायक अमजद साबरी यांचे गायन होणार आहे आणि त्यानंतर देशातील नामवंतांनी तयार केलेल्या खाद्यपदार्थांची मेजवानी असणार आहे। म्हणजे आतंकवादी हल्ल्यांना आम्ही आनंदोत्सव साजरा करत आहोत असंच अप्रत्यक्षरित्या आपले शासन आपल्याला दाखवत आहेत मित्रांनो। तो दर्शकों, आप देते बुलेटिन को विराम, अंत में एक बार फिर आज की टॉप सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर सात अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570326 और हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।